हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अकबर अली। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। ये चार नए अपडेट आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत राहत है। जिसकी उम्र 21 से 50 साल के बीच है और वो महिला लोग जो फॉर्म भरने जा रहे थे उसके लिए चार बड़े अपडेट जो कि आप लोगों के लिए बहुत राहत है। जो ताम झाम हुआ करता था वो अब हट चुका है और ये चार नए अपडेट आपको बहुत ही खुशी मिलेगी सुन करके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और एक छोटा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो अपडेट है वो इस फॉर्म को भरने के लिए 10 तारीख का डेट था लास्ट, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 15 तारीख तक कर दिया गया है, जिससे आपको अब बहुत सारा समय मिल गया है। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे महिला जिसका अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक नहीं था, तो वो अब करवा ले लिंक, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक अकाउंट में ही पैसा आने वाला है, जमा कर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये कि जब CSC ID हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे तब 5 डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब 4 डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया, सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वो फॉर्म भरते समय जो फर्स्ट कॉपी है उसको ही आपको अपलोड करना है, अदरवाइज 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अब अपलोड नहीं करना है। तीसरा ये कि अब आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं आपके अगल बगल गांव में जहां पे जिसके पास प्रज्ञा केंद्र होगा, जो CSC ID है वो भी आप आपको फॉर्म भर करके दे देंगे। आप वहां जाइएगा, 20-30 रुपये लगेंगे और वो फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और हार्ड कॉपी जो रहेगी वो आपको ब्लॉक या फिर जहाँ पे आपका झारखंड सरकार का मेला लगेगा आपके ब्लॉक में या फिर आपके पंचायत में कहीं पे, तो वहाँ पे आपको जाकर के हार्ड कॉपी जमा करनी है। और चौथा ये कि 15 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद जैसे ही जमा आप करेंगे बायोमेट्रिक प्रणाली से आपका जो फिंगरप्रिंट होता है वो आपको लेने से आपका फॉर्म अप्लाइड हो जाएगा। आप डरे नहीं कि फॉर्म में हम हार्ड कॉपी जमा किए तो वो सरकार के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपका ऑनलाइन भरने से अच्छा है, सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। CSC ID या प्रज्ञा केंद्र में जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और हार्ड कॉपी को आप जमा कर दीजिए। ऑनलाइन करने से क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ऑनलाइन जल्दी वेबसाइट में सारा खुल गया है, वेबसाइट बहुत आसानी से चल रहा है, तो आप जा कर के ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाएँ ताकि रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। ऐसे हार्ड कॉपी जमा करने से कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स खो जाता है या फिर पेपर खो जाते हैं, ब्लॉक में रह जाते हैं तो ऊपर तक नहीं जा पाता तो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऑनलाइन आप फॉर्म भरें, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और आगे का वीडियो भी आएगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है कोई भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।